रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी जिंदगी के नए फेज में एंटर करने वाले हैं। इस साल 29 फरवरी को फैंस के साथ एक खुशखबरी उन्होंने शेयर की थी कि उनकी लाइफ में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। जी हां, दीपिका इन दिनों अपने प्रेगनेंसी पीरियड को काफी एंजॉय कर रही हैं और कल की 2898 AD की सुमति जहां लगातार इवेंट्स अटेंड कर रही हैं, तो उनके पति रणवीर सिंह भी हर पल उनकी देखभाल कर रहे हैं। 6 जुलाई को रणवीर सिंह ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हालांकि इस बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई थी। वहीं अब उन्होंने बीते दिन एक बेहद ही खास नोट अपने फैंस के साथ शेयर किया है। रणवीर सिंह अपनी मस्तानी से कितना प्यार करते हैं ये तो सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चे को गले से लगाने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, इस बात का अंदाजा आपको उनकी इस पोस्ट से पक्का लग जाएगा। बीते दिन रणवीर सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फैंस से मिली बर्थडे विशेस की बधाइयों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, थैंक यू ऑल फॉर योर बर्थडे मैसेजेस, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू ऑल पर्सनली। Life begins anew this year. I am heading into Act 2 with a heart full of gratitude. Best wishes and all my love, Ranveer. बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सितंबर में ही अपने पहले बेबी का स्वागत कर सकते हैं। दीपिका और रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोनों की जोड़ी जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में एक बार फिर से धमाल मचाती नजर आएगी और फिल्म में दोनों ही पुलिस वालों की भूमिका में दिखाई देंगे और ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के साथ ही कार्तिक आर्यन और विद्या बालन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 से टक्कर लेने वाली है।